जी बेटा, तो इसमें देखिए हमारे पास हो गए फर्स्ट क्वेश्चन, हम करने लगे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। और इसमें सिर्फ नाइन वर्ड्स की ग्रामेटिक के ही अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के हमने कर लिए बेटा। ओके जी, तो मेरे पास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आई एम डूइंग हाँ जी। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मेरे पास गए इवैल्यूएट टैन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय टू। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये साइन माइनस थीटा तो आपने प्लस वन में किया हुआ है, कि साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद टैन इनवर्स, यहां माइनस साइन पाई बाय टू आपको पता क्या होता है, वन होता है। अब बेटा आपने टैन इनवर्स का किया हुआ, टैन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स के, और आपके पास क्या आ गया, माइनस पाई बाय। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हमारे पास हो गए सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड विद द सेम चैप्टर। अब बेटा देखिए है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, बट आपको रिकॉल करेंगे सारे चैप्टर को। ओके हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स cot 13 पाई बाय 6। अब बेटा देखिए ध्यान से, ये cos इनवर्स और cos तभी कैंसल होता है अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करता हो, प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करता हो, तो मेरी cos की प्रिंसिपल ब्रांच 0 टू पाई होती है। तो क्लियर कट 13π/6 उसको बिलोंग नहीं करता। तो बेटा जब बिलोंग नहीं करता तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है। और ब्रेक कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर में होता है उसके मल्टीपल से ऊपर ब्रेक करो, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 12 ज्यादा पास है ना 13 के, तो हम 12π+5/6 ऐसे कर सकते हैं। अब बेटा कॉस इनवर्स कॉस 2π+5/6, कॉस 2π+थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये प्लस वन का काम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, कॉस 2π+थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो सकता है, रीजन क्योंकि पाई बाय सिक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। ओके बेटा क्लियर। अब नेक्स्ट करें जरा क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास, ये भी सेम है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, हाँ जी, टेन इनवर्स टेन 9π/8 कैसे करें इसको। हाँ जी कोई भी स्टूडेंट, ओके सुहानी, यस बेटा, हम 10 9π/8 को लिख देंगे 5 प्लस 5 बाय। टेन पाई प्लस 5/8 बिल्कुल करेक्ट हो गया मेरे पास। आफ्टर देन सुहानी, हाँ जी उसके बाद क्या करेंगे, हाँ 10π+θ जी क्या होता है, -10 सॉरी 10θ। टेन पाई प्लस थीटा जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन पाई बाय 8 आएगा। उसके बाद
tan इनवर्स और tan विल कैंसिल, आंसर इज 5/8, बिल्कुल करेक्ट हुआ मेरे का। अब नेक्स्ट देखो जरा, मैंने अभी उसको रब नहीं किया, उसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान से देखना बेटा क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मेरे पास है tan, tan इनवर्स -4, ये क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ tan बाहर है तो जो ये वैल्यू होगी ना वो tan की डोमेन पे एग्जिस्ट है, हम क्या क्या वैल्यू है, और tan tan इनवर्स तभी कटता है अगर बाहर tan है, अगर ये रियल हो, लेकिन यहां पर tan इनवर्स और tan तब कटता है जब मेरे पास जो ये वैल्यू x है वो उसकी जो है प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करती, और आपको पता है कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच -90 to 90 होती है ना, जिसको आप रेंज कहते हैं, तो यहाँ पर ऑल रियल, यहाँ -90 to 90, दोनों में डिफरेंस है ना, तो इसका आंसर सीधा ही आ जाएगा क्योंकि हम ये क्लियर कट बेटा बच्चों को कहते हैं कि tan into tan inverse, आपकी बुक में ये सब कुछ जो है दिया हुआ, मैंने कहा था सारी थ्योरी पढ़ लेना, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, फॉर ऑल x बिलोंगिंग यहाँ, बट यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की है ना, उसमें क्या होता था -90 to 90, इसीलिए हमने इसको चेंज किया -90 to 90, दोनों में डिफरेंस को ध्यान से समझिए, ओके? एनी डाउट टू एनी वन, चलो बेटा मैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गया। यहाँ पर क्या है मेरे पास, इवैल्यूएट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल स्मॉल फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ओके? तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस secant इनवर्स -2, चलिए बता सकता है कोई कैसे करे, जल्दी जल्दी बेटा, एनीबडी फ्रॉम यू, गलत भी होगा एक्सेप्टेड है, कोई टेंशन, बताइए जल्दी बेटा, हाँ जी बेटा कोई तो बताइए, हाँ जी बताइए सुकुमन, अनम्यूट कीजिए बेटा, 5/3 माइनस 5 माइनस 5/3, यहाँ पर आपने 5/3 बोला, बिल्कुल करेक्ट। अब सीकेंट पहले इतने पे चलते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स होता है, तो उसको 2 ही कितने देते हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट कि मेरे पास सीकेंट इनवर्स 2 जो है वो किस पे होता है, मेरे पास 5/3 पे होता है, तो मेरे पास 5/3 माइनस पाई माइनस 5/3, ब्रैकेट ओपन कर दें, 5/3 माइनस पाई, ये प्लस हो गया 5/3 और माइनस पाई, है ना, ये 60, ये 60, 120, 120 माइनस 180, माइनस 60 मेरे पास, तो माइनस 60 मतलब 5/3 है, अब एलसीएम करके रखें, ओके okay, स्टेप बाय स्टेप बताना मुझे कि मैम यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, फिर इसकी जगह पे पाई बाय थ्री, ट्रैक बिल्कुल सही, ठीक है, अब नेक्स्ट करें क्वेश्चन मेरे पास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, tan cot inverse x
is equals to cot tan inverse x. ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. स्टेट विद रीजन विदाउट जो है स्टेट विद रीजन वेदर द इक्वालिटी इज वैलिड फॉर ऑल एक्स और नॉट. स्टेट विद रीजन वेदर द इक्वालिटी मीन्स दिस इक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल और नॉट. हमने ये बताया पहले तो इसको इक्वल करें. इक्वल करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले इस साइड से ले, मैंने क्या किया, मैंने इसको थीटा ले. ओके, तो मेरे पास कॉट इनवर्स एक्स को अगर मैंने थीटा लिया तो कॉट थीटा मेरे पास एक्स आ गया. मुझे टैन की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से टैन थीटा भी निकाल लेते, वो वन बाय एक्स आ गया. रेसिप्रोकल ही होता है. अब देखते हैं, अभी मैंने लेफ्ट ही किया, अब देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि नहीं. ठीक है बेटा. अच्छा, आप अगर ऐसे करते हो तो आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है. मैंने आपकी सोच में इसको ऐसे लिखा है. मैं एक और तरह से कॉट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, टैन की वैल्यू कॉट से. कैसे, मैं कॉट की जगह टैन पाई बाय टू माइनस थीटा भी लिख सकती. कौन सी बेस्ट होगी मेरे अकॉर्डिंगली, ये यूज होगी क्योंकि यहाँ वन बाय एक्स करूँगी तो मुझे माइट भी प्रॉब्लम आ सकती. और क्यों मैं इसको नहीं प्रेफर कर रही, माइट भी एक्स कहीं जीरो हो जाए तो ये वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो मुझे वो केस डिस्कस करना पड़ेगा. तो इसीलिए जो है मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती. हाँ, निकल जाएगा इससे भी, मैं ये भी कह रही, बट प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए बेटर है कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, कॉट से टैन की वैल्यू निकालें. पता चला बेटा आप लोगों को, चले आगे. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा. मेरे पास हो गए तो यहाँ से टैन इनवर्स की वैल्यू, क्योंकि टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ यूज करनी है तो टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाय टू माइनस थीटा. अब स्टार्ट कर इस साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया. मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, टैन और इसको थीटा लिख लूँ. ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टैन थीटा को मैं कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा लिख सकती हूँ. अब इस थीटा पे मैं दोबारा क्या करूं, इस थीटा पे मैं कॉट इनवर्स की वैल्यू लिख सकती हूँ ऐसे. अब आपको पता है आइडेंटिटी की थी ना इनवर्स में, पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, दैट इज टैन इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू आर एच एस. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन. सीधा भी पाई बाय टू माइनस थीटा यहाँ पर जो है यूज करते, अगर आप यूज करते तो यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स आ जाता. वैसे भी कर सकते हो, इसको भी लेके कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है. ओके बेटा, क्लियर, चलो आगे बेटा. एनी प्रॉब्लम टू एनी बार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास. अब एक और नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट, टू टू मार्क्स वाले क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ. ठीक है, अच्छा यहाँ पर वो जो सेकंड पार्ट पूछा था वो रह गया हमारा, कि स्टेट विद रीजन वेदर इक्वालिटी इज वैलिड फॉर ऑल एक्स और नॉट. यस बेटा, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, क्योंकि यहाँ कोई वो वन बाय एक्स नहीं बन रहा जो मैंने कहा था कि वैसे मत लिखिए, वहां पर होता तो मैं बात करती. यहाँ सबके लिए वैसे भी टैन की सबके लिए एग्जिस्ट करती है, ऑल रियल होती है ना, तो इसीलिए हमें जो है टैन इनवर्स की डोमेन जो है ऑल रियल होती है.
और cot inverse की भी all real होती है. That's right. तो हम क्या कहेंगे, yes this is valid for all real. ठीक है बेटा, clear. चलिए next question है मेरे पास. है next question में find the value of sin 2 cot inverse minus 5 by 12. हाँ जी, कोई बता सकता है आप में से कैसे स्टार्ट करें इसको? Anybody from you? हाँ जी बेटा, Anybody from you? Yes, Rasika, Samyang, Srishti, Rana, Prabhnur, कोई भी बेटा, let's participate in the question. अंदर cot को tan में convert कर देंगे, फिर 2 tan वाला formula लग जाएगा. अच्छा जी, आप कह रहे हो कि cot को tan में convert कर देते हैं, तो reciprocal ही होगा सिर्फ, ठीक है ना? तो tan inverse ये लीजिए minus 12 by 5. हाँ जी. अब बोलिए का फॉर्मूला लगा के फिर साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है कि आप यहाँ पर साइन मेरे पास हो गए 2 टैन इनवर्स एक्स है और आप लोगों ने 2 टैन इनवर्स के 3 फॉर्मूलेस किए हैं क्योंकि बाहर साइन है, अंदर भी साइन इनवर्स का चाहिए. तो मैं सीधा ही 2 tan inverse x का formula sin inverse 2x over 1 plus x के ये बने यूज करो. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज होती है कि x की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ये तभी फॉर्मूला लगता है. इट इज वैलिड ओनली व्हेन x जो है इक्वल टू बी. आप फॉर्मूले के साथ मैंने कंडीशंस बोली थी आपको, ये फॉर्मूला तभी लगता है अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन टू वन के बीच में है. हाँ जी रानी, देखिए है इसके बीच में, तो कई बार ये कंडीशंस हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता. आप अच्छा, हम आंसर चाहे कई बार सही आ जाता है, मैं ये भी बता दूं, समटाइम्स आंसर वैलिड होता है, वो निकल आता है. अच्छा अभी हम करके मैं आपको बताती हूँ, देखते कि अगर साइन इनवर्स मेरे पास 2 इंटू मेरे पास माइनस 12 बाय 5 ओवर 1 प्लस, मैंने स्क्वायर कर रही 144 बाय 25. ओके, तो अब मैं इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास, कई बार ना हम कंडीशंस देखते नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ बहुत बार ऐसा होता है. मैंने आपको आगे भी बताया था, वंस आई वेंट फॉर चेकिंग ना, तो वहां पर कंडीशंस देखी नहीं क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी, तो डैम बॉदर मार्क्स भी मिल गए. बट मैं आपको प्रेफर ये करूंगी कि आप कंडीशंस देखने की यहाँ पे डालें. ठीक है, तो मेरे पास साइन इनवर्स, हाँ जी, माइनस जो के 24 ओवर 5 ओवर, जब मैंने 25 एलसीएम लिया मेरे पास, तो 25 प्लस 144 बाय 25. ओके जी, ये 5 के साथ कट गया मेरे पास, और साइन इनवर्स माइनस ये बेटा ऊपर जाएगा, तो ये कितना बन गया 24 इंटू 5 120 ओवर मेरे पास 116 है, और साइन इनवर्स इंटू साइन कैंसिल, ये आंसर मेरा. इसका एक और मेथड है मेरे पास जिसमें मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती.
अगर इन केस कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जहां आपको लगता है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, तब देखिए व्हाट वी हैव टू डू। चाहे आपने टैन इनवर्स कर दिया, जैसे मर्जी कर, आप इसको लेट करो, टैन इनवर्स माइनस 12/5 को थीटा, तो टैन थीटा की वैल्यू माइनस 12/5। जब आपने इसको थीटा पुट किया तो ये साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ये माइनस भी है। अब टैन नेगेटिव है, टैन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, नियरेस्ट सेकंड होता तो यहाँ पर भी है। मैंने आपको कहा था हम नियरेस्ट देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में भी नियरेस्ट देखते हैं ना, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा लेकिन कॉज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो दैट मींस यहाँ टैन थीटा पता है तो हम साइन और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टैन इज 12, ये 5, और एच कैलकुलेट कर, एच मेरे पास 39, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास बनी 12/13। कॉस थीटा की वैल्यू बनती तो बी बाय एच है, बट क्योंकि हमने सेकेंड क्वाड्रेंट डील किया है उसमें साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है, अगर इस तरह से पढ़े तो क्वाड्रेंट खुद चेक करने पड़ेगा, हमें कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस मेरे पास तो है, कितना आंसर बना, ये 10 और माइनस 120/160, देखो दोनों से सेम आंसर। ये सिर्फ मैंने इसीलिए बताया कि सम टाइम आप वाणी प्लस वन के ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट क्वाड्रेंट आपको चेक कर, ठीक है, क्लियर बेटा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा, कोई डाउट नहीं, चलें। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, कॉस इनटू साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3, क्या आपके दिमाग में स्ट्रेटेजी आती है इन सम्स को सॉल्व करने। हाँ जी, बाकी बच्चे भी, फतेह, हंसिका, लक्ष्य, एनीबॉडी फ्रॉम यू, जल्दी जल्दी सोचिए क्या स्ट्रैटेजी, जब तक स्ट्रैटेजी इनवर्स में माइंड में नहीं ना होगी तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। एनीवन फ्रॉम थ्री ऑफ यू, फतेह, हंसिका एंड लक्ष्य। हाँ जी, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखिए, यहाँ कॉज है, अंदर क्या बना है, ओके, एनी अदर स्टूडेंट, प्रभु, यस मैम, क्या सोचो मैम, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ सीक्वेंट है ना, अच्छा सॉरी मैम, ट्रायंगुलर से कन्वर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्रायंगुलर मेथड से साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में और सीकेंट रेसिप्रोकल ले लेंगे। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही प्रभु ने बताया, हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से सीकेंट से साइन इनवर्स निकाली और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू निकाल के फॉर्मूला लगा दिया और साइन इनवर्स में आंसर आ गया, उसको कॉस इनवर्स में कर, जैसे मर्जी स्ट्रैटेजी आप सोच सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है, टोटली आप पे है, आप कैसे सोचते। अच्छा एक और, मतलब हम यहाँ पर कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम कॉज इसको ए इसको बी दें,
है ना, कॉस ए प्लस बी का पहले फॉर्मूला लगा दें फिर चेंज करते, वो भी करेक्ट है, ये आप नहीं देख रहे। चलो पहले ट्रायंगल बना के हम सबको कॉस में चेंज कर देते हैं, तो ये थीटा, ये साइन जो होता है वो पी बाय एच होता है, तो ये 16 माइनस 1 रूट 15 आ गया। ओके, इसका जो गए अगर मैंने कॉस में करना है तो रेसिप्रोकल ही होगा, कॉस कॉस इनवर्स डी बाय एच, कॉस इनवर्स 3 बाय 4, ये तो सी। अब फॉर्मूला लगाओ यहाँ, कॉस इनवर्स, हाँ जी, एक्स 1 माइनस 9 बाय 16, प्लस है तो माइनस मेरे पास, हाँ जी हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया, साइन का लगा दिया, एक सेकेंड, एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। ओके जी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू देखनी है जो आती है वो कॉस के कंडीशंस के अंदर आती है कि नहीं, ठीक है, आ रही है तो हम सीधे ही काट देंगे, नहीं आ रही तो हम देखेंगे ना, ठीक है, वैल्यूज आएंगी ऐसे गंदी सी क्योंकि यही से पता चल गया रूट 15 आ रहा, सॉल्व नहीं हो सकता तो आंसर बड़ा गंदा सा आएगा, घबराना नहीं उसको, ठीक है बेटा, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल के रिलेटेड बता दूं, फिर कल हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल बेटा, ओके।